बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सब खैरियत से हैं। तो आइए मूव करते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। आज हम फ्रेडोग्राफ सिलेक्शन ऑफ बेंजीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेडोग्राफ सिलेक्शन ऑफ बेंजीन क्या होती है? तो बेसिकली फ्रेडोग्राफ सिलेक्शन ऑफ बेंजीन ये होती है कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप लाइक सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग पे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है? जनरल रिएक्शन में बात करें तो आपके पास बेंजीन रिंग प्लस एसाइल क्लोराइड होता है और AlCl3 की मौजूदगी में या FeCl3 आप यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया और HCl का रिमूवल, ये जनरल रिएक्शन था। अब मैकेनिज्म कैसे होता है इसका, क्या उसके स्टेप्स हैं, तो आइए जाते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में आप देखें तो आपके पास क्या होता है जी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले होती है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखें तो ये कार्बोनाइल कार्बन सी डबल बॉन्ड हुई ClCl3, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होती है। ठीक है, और AlCl भी पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, तो ये क्लोरो ग्रुप इसको ले लेगा जब इन दोनों का रिएक्शन होगा। तो AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपके पास CH3 सी डबल बॉन्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हो गई, देन आपने अटैक करवाना होता है इलेक्ट्रोफाइल पेयरिंग के बाई इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ अटैक हुआ इस कार्बोनाइल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, ये डिफिशन था तो इस पर अटैक हो गया। जब ये अटैक हो गया तो ये एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी हाइड्रोजन इसका यहाँ, और ये पॉजिटिव। अब जब दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये वीक है और ये पावरफुल, आपने अटैक करवा दिया, हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है, तो इसका मतलब है ये ग्रुप ऐड हुआ तो ये निकलेगा। अब यहाँ AlCl4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हमने यूज किया और इसका अटैक करवा दिया इस प्रोटॉन पे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करवा दी। ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये आपके पास प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ CH3 ग्रुप सी डबल बॉन्ड, आप CH3 की जगह कोई भी अल्काइल चेन लाइक CH3 आप फर्दर इसको बढ़ा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, फर्दर ये चेन बढ़ा सकते हैं, आप कोई भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। AlCl3 रिजॉल्व हो गया आपके पास यहाँ से जब रिएक्शन हुआ तो, और HCl आपके पास रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये थी जी फ्रेडोग्राफ एसिलेशन ऑफ बेंजीन। उम्मीद करते हैं अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया है आपको, हो समझ आई होगी। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स करें और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।